Semiconductor is not only about RTL to GDS. A lot more happens inside this 6 billion industry. Let me break down the semiconductor ecosystem for you. हम भारत में एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम निर्माण के पीछे पूरी ताकत लगा रहे हैं। डिजाइन, इंटीग्रेशन, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा नेटवर्क इस 6 बिलियन की इंडस्ट्री को तैयार करता है। काम की शुरुआत होती है प्लानिंग से और बनते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक आम इंसान डेली किसी न किसी तरीके से उपयोग में लेता है। स्पेस एप्लीकेशंस, नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इनफैक्ट कुछ भी इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। एंड ये काम कोई कंपनी अकेले नहीं करती है, यहाँ पे कंपनीज का एक पूरा इकोसिस्टम है और सब एक दूसरे पे किसी न किसी काम के लिए डिपेंडेंट हैं। वैसे तो ये नेटवर्क काफी कॉम्प्लेक्स है, पर इसे बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए कुछ टाइप्स में डिवाइड करूंगा मैं। एक चिप के लिए डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक ओवरऑल प्रोसेस है। डिजाइन में अगर बात करें तो सबसे पहले ईडीए कंपनीज, ये बेसिकली वीएलएसआई डिजाइन फ्लो को ऑटोमेट करने का काम करती हैं। सिनॉप्सिस, कैडेंस और मेंटर ग्राफिक्स इस फील्ड के की प्लेयर्स हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स चिप्स में बहुत सारा पार्ट हम रीयूज करते हैं और यहाँ पे कुछ कंपनीज जो बेसिकली आईपीस बनाती हैं उनको डायरेक्ट सेल करती हैं। इट इज बेसिकली जस्ट टेक एंड यूज, इन्हें हम आईपी वेंडर्स बोलते हैं। और इसमें आपको आर्म, रैमबस, सेवा और ईडीए कंपनीज जैसे कि सिनॉप्सिस और कैडेंस भी मिल जाएंगी। फिर आती हैं फैबलेस चिप कंपनीज, मतलब जिनके पास पूरा वीएलएसआई डिजाइन फ्लो आरटीएल टू जीडीएस है बट अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैब्रिकेशन लैब नहीं है। अब ये कंपनीज बेसिकली बहुत सारा डिजाइन खुद भी करती हैं, जिसमें ये ईडीए टूल्स यूज करती हैं, आईपीस भी यूज करती हैं। तो बेसिकली ये सिनॉप्सिस जैसी कंपनीज के लिए कस्टमर होती हैं। फैबलेस डिजाइन कंपनीज की बात करूं तो इसमें आपको टॉप फेमस कंपनीज मिल जाएंगी और मोस्टली वीएलएसआई इंजीनियर्स इन्हीं में से किसी एक कंपनी में अपना ड्रीम करियर बनाना चाहते हैं। एप्पल, क्वालकॉम, गूगल, एनवीडिया, मीडियाटेक, अमेज़न, फेसबुक और न जाने कितनी आपको फैबलेस डिजाइन कंपनीज मिल जाएंगी। सो बेसिकली ईडीए प्लस आईपी वेंडर्स प्लस फैबलेस कंपनीज मिलके चिप डिजाइन कंप्लीट करती हैं। अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन के आउटपुट से चिप बनाने के लिए फैब लैब्स या फाउंड्रीज चाहिए होती हैं। वैसे तो कई सारी फाउंड्रीज हैं, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नोड और मोस्ट ऑफ द चिप्स प्रोड्यूस करती है वो है टीएसएमसी। मोस्ट ऑफ द फैबलेस कंपनीज अपनी चिप का फैब्रिकेशन टीएसएमसी से ही करवाती हैं। टीएसएमसी के अलावा जो मेजर प्लेयर्स हैं वो हैं इंटेल, सैमसंग, एसएमआईसी, यूएमसी एटसेट्रा। अब ये फाउंड्रीज को वेफर, फैब इक्विपमेंट्स, स्पेशल मटेरियल्स और केमिकल्स की नीड होती है चिप बनाने के लिए। ये वेफर इक्विपमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली मशीन्स हैं एंड उनके लिए हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में ASML, लैम रिसर्च, अप्लाइड मटेरियल्स, KLA जैसी कंपनीज हैं जो कि फाउंड्रीज को ये इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। देन वी हैव लास्ट स्टेप ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड दैट्स कॉल्ड डिप्लॉयमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे पिक्चर में आती है OSAT, मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। इसका काम है फाउंड्रीज से वेफर लेना, उसको इंडिविजुअल चिप्स में काटना, टेस्ट करना और फाइनली कस्टमर तक डिप्लॉय करना। फेमस OSAT कंपनीज के नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। एंड दिस इज अवर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, पर ये अभी अधूरा है क्योंकि आप कई सारी कंपनी सोच पा रहे होंगे जिनके नाम मैंने अभी तक नहीं लिए हैं, और वो हैं इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, IDMs। ये वो कंपनीज हैं जो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और डिप्लॉयमेंट तीनों करने की क्षमता रखती हैं। मतलब शुरू प्लानिंग से लेकर के डिप्लॉयमेंट तक की पूरी फैसिलिटी है इनके पास। टॉप IDMs की बात करूं तो सैमसंग एक ऐसी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को कम्प्लीटली डिप्लॉय करने की क्षमता रखती है। उसके बाद मेमोरी सेक्शन में हमें SK Hynix और माइक्रॉन जैसी IDMs मिल जाएंगी, और लॉजिक में इंटेल, TI, एनालॉग डिवाइसेस, STM जैसी कंपनीज आ जाएंगी। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज अवर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। आई विश इंडिया वुड ऑल्सो हैव वन सच इन फ्यूचर।